मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया सोमवार को इंदौर आए, जहां उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में पंचायत विभाग सहित अन्य विभागों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, कलेक्टर मनीष सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए महेंद्र सिंह सिसोदिया ने इंदौर जिले में हुए विकास कार्यों पर संतुष्टि जताई, साथ ही कुछ कमियां पाई जाने पर जल्द ही उन्होंने दूर करने का निर्देश दिया है। मैंने आज अपने विभाग के साथ साथ और अन्य विभागों की भी समीक्षा की है और ये सुनिश्चित किया है कि सरकार जो निर्माण को पैसा दे रही है वो धरातल तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और आज मेरे साथ में दो दो मंत्री हैं, जल संसाधन माननीय तुलसी सिलावट जी, सांस्कृतिक मंत्री हमारी आदरणीय दीदी उषा ठाकुर जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और हमारे पूर्व के अध्यक्ष लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। तो कुल मिला के मैं सेटिस्फाइड हूँ इंदौर जिले की प्रगति से और हमारे कलेक्टर और सीओ जिला पंचायत के नेतृत्व में अच्छा कार्य हमारा विभाग कर रहा है। कुछ थोड़ी बहुत जो कमियाँ थी तो वो उसको मैंने उनको रेड अलर्ट किया है और वो भी कुछ महीनों में दूर कर दी जाएगी। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के लिए 3000 करोड़ रुपया दिया है 7 वर्षों के लिए, जिसमें वाटर रिचार्जिंग, मेन रूप से वाटर शेड्स का कंसेप्ट लिया है जिसमें चेक डैम्स इत्यादि बनेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा वाटर लेवल भी बढ़ेगा। रणनीति की तरफ मैंने बताया कि हम छोटे छोटे तालाब बना रहे हैं, जैसे अमृत सरोवर तालाब का कंसेप्ट भी माननीय प्रधानमंत्री जी लाए हैं। वाटर शेड के लिए 3000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को दिया, चेक डैम्स वगैरह बनाने के लिए, तो इसके माध्यम से वाटर को रिचार्ज किया जाएगा। हाँ, जब मैं प्रथम बार मंत्री बन के मैंने चार्ज लिया था तो 4 पॉइंट्स मैंने रेज किए थे और 2 साल के अंदर काफ़ी हद तक उस स्कूल में डाइनिंग हॉल्स भी बने हैं, स्कूल की बाउंड्री वॉल, शांति धाम भी हमने बनवाए हैं और सामुदायिक भवनों का निर्माण भी हम लोग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है आत्मनिर्भर बनाने की, उस ओर हम लोग अग्रसर हैं। सर, वाटर रिचार्जिंग जो वाकई में काम कर रहे हैं, ऐप भी आपने? हाँ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि हर SHG की जो मेंबर है महिला उनको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हम बना रहे हैं, स्टेट लेवल पे बना रहे हैं और मैंने आज इस मीटिंग में भी बोला है। अभी तो मैंने बोला है और इसके बाद कार्रवाई तो जब भी करता है खुद ही करता है। चलिए, मध्य प्रदेश लेवल पे मैंने फाइल का मूवमेंट किया है कि मध्य प्रदेश में मार्केटिंग ऐप बनाया जाए या मार्केटिंग फेडरेशन बनाया जाए, जिस फेडरेशन से हमारे सारे जिले मध्य प्रदेश के SHG जुड़े और बड़ी बड़ी कंपनियां जो रिटेल मार्केटिंग करती हैं जैसे अमेजोन है, रिलायंस है और जो बड़ी चीज़ें हैं, वो सारे के सारे हमारे SHG ग्रुप्स के प्रोडक्ट्स को लें और ज़्यादा कीमत में हमारे SHG ग्रुप्स को उसका बेनिफिट हो सके। जी जी, मैंने कुछ सिलाई सेंटर्स के भी प्रस्ताव दिए हैं कि रेडीमेड गारमेंट, जैसे कलेक्टर साहब ने कहा कि रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत बड़ा स्कोप है क्योंकि गुजरात भी लगा हुआ है, महाराष्ट्र भी लगा हुआ है, राजस्थान और इंदौर है ही अपने आप में। अगर रेडीमेड गारमेंट्स हमारे SHG बनाते हैं तो निश्चित रूप से उनको बहुत फायदा होगा। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।